आजकल सोशल मीडिया में वायरल मैसेज चल रहा है कि देश में राजस्थान और केरल के कुछ क्षेत्रों में कोरोना वायरस तीसरी स्टेज पर पहुंच चुका है। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने जनता कर्फ्यू वाले दिन ट्वीट करके कहा कि जानकारों के मुताबिक बहुत हद तक संभव है कि भारत कोरोना के तीसरे स्टेज पर पहुंच चुका है। अगर ऐसा है तो इससे लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में है। अगर आने वाले दिनों में यह वायरल मैसेज सच साबित होता है तो यह आसान उदाहरणों से आप समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस की चार स्टेजें क्या होती है। तो गाइस, जो इसकी संदर्भ सामग्री है वह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च WHO और दुनिया भर में प्रकाशित एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। कोरोना के डर के बीच अंकुर लंदन से अपने घर भारत आया। एयरपोर्ट पर उसको बुखार नहीं था, उसे घर जाने दिया गया, पर उससे एयरपोर्ट पर एक शपथ पत्र भरवाया गया था कि वह 14 दिन तक अपने घर में कैद रहेगा और बुखार आदि आने पर वो इस नंबर पर कॉल करेगा। घर जाकर उसे शपथ पत्र की शर्तों का पालन किया। वह घर में कैद रहा, यहाँ तक कि उसने घर के सदस्यों से भी दूरी बनाए रखी। छठे सातवें दिन अंकुर को बुखार, सर्दी, खांसी जैसे लक्षण आने लगे। उसने हेल्पलाइन पर फोन लगाया, कोरोना का टेस्ट किया गया तो वह पॉजिटिव निकला। उसके घर वालों का भी टेस्ट किया गया, वह सभी नेगेटिव निकले। 1 किलोमीटर के एरिया में सबसे पूछताछ की गई और सभी लोगों का टेस्ट भी किया गया। सबने कहा कि अंकुर को किसी ने घर से बाहर निकलते नहीं देखा, क्योंकि उसने अपने आप को अच्छे तरीके से आइसोलेट किया था, इसलिए उसने किसी को कोरोना नहीं फैलाया। अंकुर की उम्र कम थी, कोरोना के लक्षण बहुत मामूली थे, बस बुखार, सर्दी, खांसी, बदन दर्द आदि हुआ। सातवें दिन ट्रीटमेंट के बाद वह बिल्कुल ठीक होकर अस्पताल से घर पहुंच गया। यह पहली स्टेज जहां सिर्फ विदेश से आए आदमी को कोरोना है, उसने किसी दूसरे को कोरोना नहीं दिया। स्टेज 2, मुंबई में रहने वाले अनिकेत को बुखार और खांसी थी। हेल्थ ऑफिसर ने अनिकेत से उसके पिछले दिनों की सारी जानकारी ली। उस जानकारी से पता चला कि वह विदेश नहीं गया था, वह एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया जो हाल ही विदेश से होकर आया है। वह परसों गहने खरीदने के लिए एक ज्वेलरी शॉप में गया था। उसके मालिक सेठ जी हाल ही इटली से घूमकर लौटे थे। उनको एयरपोर्ट पर बुखार नहीं था, इसी कारण उनको घर जाने दिया गया, पर उनसे शपथ पत्र भरवा लिया गया था कि वह अगले 14 दिन के लिए आइसोलेट रहेंगे और घर से बाहर नहीं निकलेंगे और घर वालों से भी दूरी बनाए रखेंगे। लेकिन कमाई के चक्कर में उन्होंने एयरपोर्ट पर भरे गए शपथ पत्र की धज्जियां उड़ाई। घर में वह सबसे खूब प्रेम से मिले, दूसरों को छुआ, वह खुद को भी छूने दिया और अगले दिन अपने ज्वेलरी शॉप में जा बैठे। छठवें दिन सेठ जी को बुखार आया, उनके साथ घर वालों को भी बुखार आया। घर वालों में बूढ़ी माँ भी थी। सबकी जांच हुई, सब कोरोना पॉजिटिव निकले। यानी विदेश से आया आदमी खुद पॉजिटिव निकला और फिर उसने घर वालों को भी पॉजिटिव कर दिया। सेठ जी की दुकानों में 450 लोग संपर्क में आए थे, जैसे नौकर चाकर, ग्राहक आदि। उनमें से एक ग्राहक अनिकेत भी था। निष्कर्ष, कुल मिलाकर स्टेज 2 यानी जिस आदमी में कोरोना पॉजिटिव आया है वह विदेश नहीं गया था, पर वह एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया जो हाल ही विदेश से होकर आया है। स्टेज 3, अंकिता को सर्दी, खांसी व बुखार की वजह से अस्पताल में भर्ती किया। वहां उसका कोरोना पॉजिटिव आया, पर वह ना तो कभी विदेश गई थी, न ही किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आई जो हाल ही विदेश से होकर आया है। यानी हमें अब वह स्रोत नहीं पता कि अंकिता को कोरोना आखिर लगा कहां से। स्टेज 1 में आदमी खुद विदेश से आया था, स्टेज 2 में पता था कि सोर्स कारोबारी है। हमने उसके संपर्क में आए हर व्यक्ति का टेस्ट किया और उनको 14 दिन के लिए आइसोलेट कर दिया। स्टेज 3 में आपको कोरोना का सोर्स ही पता नहीं चलता। तो निष्कर्ष यह है कि सोर्स पता नहीं लगा तो हम उसे पकड़ नहीं सकते, व्यक्ति को आइसोलेट नहीं कर सकते। वह सोर्स न जाने कहां है और अनजाने कहां कितने लोगों को इन्फेक्ट कर देगा। स्टेज 4, दिल्ली का रहने वाला आनंद इटली में फंसा हुआ है। उसने वहां से एक वीडियो भेजकर भारत के लोगों को चेतावनी दी है। अगर कोरोना के संक्रमण को आप सेकेंड या थर्ड स्टेज में नहीं रोकेंगे तो इटली जैसे हालत हो जाएंगे। इटली में वायरस की चौथी स्टेज कम्युनिटी लेवल से ऊपर के मास लेवल तक पहुंच चुकी है। अब न तो सोर्स का पता लगाया जा सकता है, न ही महामारी को रोकने का कोई तरीका समझ आता है। इसी वजह से इटली में कहा जा रहा है कि बुड्ढों को मरने दो, बच्चों और जवानों को बचा लो।
आइए आपको समझाते हैं कि हमें स्टेज 3 से क्यों डरना चाहिए और समझना चाहिए कि ये कैसे पैदा होती है। सेठ जी 450 लोगों के संपर्क में आए थे। जैसे ही उनके पॉजिटिव होने की खबर फैली तो उनके सभी ग्राहक, नौकर, घर के पड़ोसी, दुकान के पड़ोसी, दूध वाला, बर्तन वाला, चाय वाला सब अस्पताल को दौड़े। सब मिलाकर कुल 440 थे। 10 लोग अभी भी नहीं मिले। पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम उनको ढूंढ रही है। उन 10 में से अगर कोई भी व्यक्ति मंदिर या मस्जिद में घुस गया तो वह यह वायरस खूब फैलेगा। निष्कर्ष यह है कि यही तीसरी स्टेज है जहां आपको स्रोत का पता नहीं चलता। स्टेज 3 को रोकने के उपाय: 14 दिन का लॉकडाउन यानी पूरी तरह तालाबंदी, जनता कर्फ्यू लगा दो, शहर को 14 दिन के लिए एकदम लॉकडाउन कर दो, किसी को बाहर ना निकलने दो। इस तालाबंदी से क्या होगा? तालाबंदी से होगा यह कि हर आदमी घर में बंद है। ऐसे में जो आदमी किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आया वह पूरी तरह सुरक्षित है। जो अज्ञात सोर्स है वह अभी अपने घर में बंद है। जब वह बीमार पड़ेगा तो अस्पताल में पहुंचेगा, तब इस बात का पता चल जाएगा कि अज्ञात सोर्स यही है। निष्कर्ष यह निकलता है कि हो सकता है कि इस अज्ञात सोर्स ने अपने घर के 4 और लोगों को संक्रमित कर दिया हो पर बाकी का पूरा शहर बच गया। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो वह सोर्स पकड़ में नहीं आता और वह ऐसे हजार लोगों में कोरोना फैला देता, फिर यह हजार अज्ञात लोग लाखों में फैला देते। इसके लिए लॉकडाउन से पूरा शहर बच गया और अज्ञात सोर्स अपने आप पकड़ में आ गया। क्या करें कि स्टेज 2 स्टेज 3 में ना बदले? अर्ली लॉकडाउन यानी स्टेज 3 आने से पहले ही तालाबंदी कर दो। यह लॉकडाउन 14 से कम दिन का होगा। उदाहरण के लिए सेठ जी एयरपोर्ट से बेवकूफ निकले, उन्होंने क्वारंटाइन की धज्जियां उड़ा दी, घर भर को कोरोना दे दिया। सुबह उठकर दुकान खोलने गए क्योंकि तालाबंदी है तो मार्केट बंद है। क्योंकि अब मार्केट बंद है तो 450 ग्राहक भी नहीं आए और सभी बच गए। अनिकेत भी बच गया और अंकिता भी। बस सेठ जी व उनके परिवार को कोरोना हुआ। छठे से लेकर 14 दिन तक कोरोना के लक्षण आ जा सकते हैं। विदेश से लौटे लोगों में लक्षण नजर आए तो उनको अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा और नहीं आए तो इसका मतलब वो कोरोना नेगेटिव है। इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने का सबसे अच्छा तरीका पॉजिटिव व्यक्ति को आइसोलेट करना है। 4 दिन के आइसोलेशन से 80% मरीज ठीक हो सकते हैं। केवल 5% को ही अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ेगी। तो गाइस, इससे लेकर हमारे पास जो भी अपडेट थे हमने आपको शेयर किए। ऐसे अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।